मां ताप्ती की पवित्र नगरी मुलतई में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी भव्य मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश के बाहर से आए व्यापारी एवं मेले का लुत्फ लेते हुए जनता ने एनटीवी टाइम से बात की और जाना कि मेले में नगर प्रशासन की तरफ से क्या सुविधा है। अल्ताफ खान की रिपोर्ट। पालिका द्वारा ये मेले में संपूर्ण स्वच्छता की व्यवस्था की गई है, प्रकाश व्यवस्था की गई है, साथ ही सुरक्षा के पर्याप्त यहाँ पर अवसर उपलब्ध कराए गए हैं ताकि लोगों को किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। शासन के निर्देशानुसार मेला क्षेत्र में प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक पूर्णतः प्रतिबंधित है। आज भी जिन दुकानदारों द्वारा प्लास्टिक का उपयोग किया पाया गया उनको जो चेतावनी दी गई है, प्लास्टिक जब्त किया गया है। भविष्य में मेले में सफाई का ध्यान रखा जाएगा, साथ ही प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। मेले में जो बाहर से व्यापारी आए हैं उनको अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का नगर पालिका द्वारा प्रयास किया जा रहा है। नगर पालिका द्वारा पेयजल की, सफाई की संपूर्ण व्यवस्था यहाँ पर की गई है और सांस्कृतिक कार्यक्रम का जो आयोजन नगर पालिका द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, इस वर्ष भी नगर पालिका द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें स्थानीय कलाकारों के साथ साथ जो अन्य कलाकार भी हैं वो अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए शहर को एक स्वच्छ मनोरंजन उपलब्ध कराएंगे एवं नगर को जो मेला की जो गरिमा है उसको और आगे बढ़ाने का प्रयास करें। सूर्यपुत्री ताप्ती के पूर्णिमा के अवसर से मुलताई नगर में यह भव्य मेला प्रारंभ हुआ और यह मेला अब अपने पूर्ण स्वभाव पे है। यहाँ पे सर्कस, झूले, अन्य दुकानें लग गई है, साथ ही 3 दिन का सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन 3, 4, 5 तारीखों में होने जा रहा है, जिसमें कि एक सांस्कृतिक विभाग महाराष्ट्र की 2 दिन की प्रस्तुतियां हैं, 1 दिन की मुलताई के स्कूल के बच्चों की प्रस्तुतियां होगी। इन सब प्रयासों से हम यह चाहते हैं कि मुलताई में मेले का आकर्षण बढ़े और श्रद्धालुओं की संख्या बढ़े। आपका? मैं समीउल्लाह खान। कहाँ रहते हो? आजाद वार्ड मुलताई। कितने वर्ष से दुकान लगा रहे हो मेले में? 25 साल से दुकान लगा रहे हैं मुलताई मेले में। अच्छा, पिछले वर्ष से और इस वर्ष की सुविधा में क्या फर्क है? सुविधा में यहाँ भी ये रोड के ऊपर सब गड्ढे हुए हैं, इस पर डस्ट डलवाई नहीं नगर पालिका ने, यहाँ पर रोलर नहीं घुमाया, रोलर घुमा दे तो कम से कम जगह प्लेन हो जाती, तो उससे जाए चलने वालों को सहूलियत रहती है। अभी लोग गिर जा रहा है, किसी के पैर मोच आ जाए तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, स्ट्रीट लाइट की क्या सुविधा है यहाँ पे? स्ट्रीट लाइट इधर हमारे इधर तो कहीं नहीं लगे, आप खुद देख लो पूरे इसमें कहीं स्ट्रीट लाइट नहीं है हमारे। और आप क्या जो लाइट लिए हैं आपने, क्या शुल्क में लिए है लाइट? लाइट के तो अभी क्या ले रहा है, 40 रुपये मांग रहा है हमारे से। और कब आती है और कब जाती है? 6 बजे चालू करते हैं और रात में फिर शायद बंद हो जाती है लाइट। कितने बजे बंद होती है रात में? 1 बजे कभी बंद कर देते हैं, वैसे तो लाइट चालू रखना चाहिए यार रात में। और नगर पालिका से आपको क्या क्या सुविधा मिल रही है? नगर पालिका से तो सुविधा क्या है, पानी के टैंकर आते हैं, साफ सफाई वाले आ जा रहे हैं, बाकी तो और कुछ है नहीं सुविधा है। नगर पालिका ने भूखा डावन रन कर दिए, बढ़िया दुकानें लगा बोले आपका। ये ठीक है।